हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग देखिए मैंने इस वैसे फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो डाला हुआ था इसमें मैं बिल्कुल फर्स्ट लेसन से जो है कि आप लोगों को जो है कि वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली जो पहले जो किताब थी उसमें जो है कि न्यू वाली किताब में जो है कि इस चैप्टर को पहले दिया है पुरानी वाले किताब में जो कि पीछे देता है इसके वजह से मैंने कुछ वीडियो आप लोगों को शुरू को पढ़ा दी बट वो भी आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है तो देखिए हम आज आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है पूछ देता है कि प्रकाश की प्रकृति तो प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है जैसे नंबर एक इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रकाश होता है सरल रेखा में गति करता है प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है देखिए पी रूप में ऐसे आप लोग स्क्रीन भी ले लीजिएगा और मैं बोल रहा हूँ उसे लिख भी लीजिएगा तीसरा देखिए है निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है तीन गुड़े दस गते आठ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की पतली किरण डालने पर वह सात रंगों में बढ़ जाता है और ये रंग जो होते हैं कौन कौन होते हैं एक आप लोग लिख लीजिएगा आप इंग्लिश में विवग्योर होता है बी आई बी जी वाई ओ आर विवग्योर तो विवग्योर में देखिए सात रंग कौन कौन होते हैं वाइलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ये सात रंग होते हैं इसके बाद देखिए सिक्स नंबर देखिए प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन तथा ध्रुवण होता है देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोग देख लीजिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का व्यतीकरण क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए किन्नी दो प्रकाश तरंगों के लिए किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतीकरण कराता है और जो व्यतीकरण होता है दो प्रकार का होता है एक होता है संपोषी व्यतीकरण और एक होता है विनाशी व्यतीकरण अब हम देखेंगे संपोषी व्यतीकरण क्या होता है जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करते हैं तो इससे संपोषी व्यतीकरण करते हैं और विनाशी व्यतीकरण क्या होता है जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं तो इससे हम विनाशी व्यतीकरण करते हैं अब देखिए एक अगला नेक्स्ट इसी में देखिए एक है टॉपिक विवर्तन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में विवर्तन और व्यतीकरण में अंतर भी पूछ देता है तो विवर्तन के क्या होता है तो किसी स्लेट और या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कराता है अब हम देखेंगे व्यतीकर विवर्तन में अंतर देखिये व्यतीकरण विवर्तन में यहाँ पर हम को अंतर दिखाएंगे तो एक तरफ व्यतिकरण हमने लिख रखा है और एक तरफ विवर्तन लिख रखा है तो दो कला विवर्तन व्यतीकरण नंबर एक है दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है या जो व्यतीकरण होता है विवर्तन क्या होता है एक ही तरंगार्ग के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाओं के माध्यम अध्यारोपण से होता है नंबर दो देखिए व्यतिकरण में सभी दीप्त तथ की तीव्रता समान होती है विवर्तन देखिए मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है नंबर तीन देखिए व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसमें देखिए तीसरा निर्विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती है नंबर चार देखिए व्यतीकरण में कई कोटि की फ्रिंज देखी जा सकती है जो कई कोटि की दीप्त फ्रिंज होती है देखी जा सकती है नंबर चार देखिए विवर्तन में घटती हुई तीव्रता काल कुछ ही उच्चिष्ट देखे जा सकते हैं तो देखिए इसको आप लोग पीडीएफ में ले लीजिए इसके बाद देखिए एक इसी चैप्टर का है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक मैलस का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग इसका भी स्क्रीन शाट ले लीजिएगा वैसे मैं आप लोगों का जो है कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेकेंड सेम सी एस सेकेंड सेम मैं दोनों ब्रांच में जो है कि आप लोगों के जो है कि व्हाट्सएप से जुड़ा हूं और मैं जो है कि ग्रुप में इसका पीडीएफ भी डाल रहा हूं आप लोग लेक्चर भी एक बार समझ लीजिएगा पी से जो है नोट्स बना लीजिएगा मैलस का नियम देखिए मैलस ला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब किसी ध्रुवर से निकलने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता का काश्कॉ थीटा के समानुपाती होता है जहाँ थीटा होता है ध्रुव तथा विश्लेषक के संचरण तल के माध्यम का कोण होता है यदि विश्लेषण पर आपती समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हम अगर आई मान लें तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई बराबर आई जीरो काशिज को थीटा होगा और यही हमारा ला है देखिए एक और आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलोराइड के बारे में पूछ देता है टिप्पणी लिखी है पोलोराइड क्या होता है तो देखिए ऐसा पद जिससे प्रकाश का ध्रुवर किया जा सके पोराइड कराता है टर्मालाइन एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है पोलोराइड का निर्माण भी किया जा सकता है जब कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल को पतली पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो तैयार उत्पाद एक ध्रुव की भांति कार्य करता है प्लोराइड का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं प्लोराइड का उपयोग धूप के चश्मे में कार की विंड स्क्रीन में किया जाता है जिससे कि प्रकाश की चमक से बचा जा सके इसके अतिरिक्त थ्री डी चलचित्रों में थ्री डी मूवीज आती है जो कि थ्री डी चश्मे से ही देखे जा सकते हैं पुरानी तेल पेंटिंग के रंग उभार के लिए तथा में प्लोराइड का उपयोग किया जाता है देखिए इस तरह से ये फर्स्ट लेसन था और फर्स्ट लेसन आप लोगों का ख़त्म भी हो गया ये बहुत ज़्यादा नहीं था टॉपिक अगला नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद